हाँ जी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले आपके सवालों के बारे में। बेसिकली आप सब मेरे को बहुत सारे सेम सवाल पूछते हो, सिमिलर सवाल पूछते हो फ्रंटेंड टेबल से रिलेटेड। सो आज मैं इस वीडियो में उन सब क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया था ये था कि क्या DSA चाहिए फ्रंटेंड के रोल में। इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, काफी अच्छी वीडियो थी। यहाँ पे आपको आई कार्ड आ जाएगा, वहां पे जाके देख लीजिएगा। और मैं उसको एक शॉर्ट में बता देता हूँ DSA चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, आपको करियर ग्रोथ के लिए DSA चाहिए होती है। आपको DSA सीखना है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन्हांस होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन्हांस होगी तो आप ज्यादा काम को कम टाइम पे कर पाओगे। सो इसलिए आपको DSA चाहिए होती है। DSA को ऐसा मत समझिए कि एक इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से आप समझ रहे हो, ठीक है। DSA आपको डायरेक्टली यूज नहीं करनी होगी कंपनी में, पर इनडायरेक्टली वो यूज होगी आपके माइंड में, बेसिकली प्रॉब्लम को जल्दी सोल्व करने में। तो DSA जब भी आप पढ़ते हो आपका एक माइंडसेट खुल जाता है, बेसिकली नए नए तरीके सीखने लगता है। सो शॉर्ट में ये बोलूंगा, DSA आप इंटरव्यू के लिए नहीं देख रहे हो, आप अपने करियर के लिए देख रहे हो। अगर आपको इंटरव्यू में ये जानना है कि पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है ऑब्वियसली, बट इतना हार्ड नहीं पूछा जाता है फ्रंट एंड में। बेसिकली आपको एरे दे देंगे, स्ट्रिंग दे देंगे, मोस्टली कंपनीज ट्रीज वगैरह ये बहुत ही रेयर में आते हैं, मतलब बहुत ही रेयरेस्ट है। सो मोस्टली एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इनके क्वेश्चन आपके हैं तो आप सही हो, वेल एंड गुड है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, बहुत पूछा जाता है। देखो लोग मेरे से, मतलब सब मेरे से पूछते हैं, मोस्टली फ्रेशर्स, क्या हम फ्रंट एंड में C++ या जावा से कर सकते हैं, मतलब जो DSA की प्रॉब्लम आएगी या फिर कोई भी प्रॉब्लम आएगी। और मेरा आंसर ये रहता है, नहीं। सो आपको ये समझना होगा, आप उस कंपनी में जा रहे हो, ठीक है, आपको उस कंपनी में काम करना है जाके। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी है, ठीक है, अब दूसरा कैंडिडेट वहीं आ जाता है, उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है, ओके, बट उसको जावास्क्रिप्ट आती है, आपको जावा आती है, और आपको रियल काम किस में करना है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अब आपको आंसर खुद मिल गया होगा कि यार वो किसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ये सोचते हो कि आप जावा या फिर C++ में वहाँ पे लिख दोगे, फिर आगे जाके कंपनी में जाओगे, फिर जावास्क्रिप्ट सीख लोगे, तो ऐसा तो बहुत ही मुश्किल होगा। सो मैं तो ये कहूँगा कि आप हमेशा जावास्क्रिप्ट में करिए। एक दो चांसेस होंगे, मान लेते हैं आपको कोई क्वेश्चन आया वहाँ पे जावास्क्रिप्ट की जगह आप जावा C++ यूज़ कर सकते हो, इंटरव्यूअर को C++ जावा आती है तो वो आपको बोल देगा ठीक है आप जावा C++ में कर दीजिए। अगर इंटरव्यूअर ने हाँ कर दिया है वो यूज़ करने की, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मोस्टली केसेस में मैं ये कहूँगा, अगर इंटरव्यूअर हाँ भी कर दे और दूसरा कैंडिडेट आया उसने पर जावास्क्रिप्ट में किया था, तो ऑब्वियसली वो सिलेक्ट होगा। सो इसलिए ही क्यों आपको ऐसे पंगे लेने हैं, सिंपली जावास्क्रिप्ट में जाइए, जावास्क्रिप्ट करिए। थर्ड आता है, क्या बैकएंड पूछा जाता है? शॉर्ट आंसर है, नहीं, बैकएंड नहीं पूछा जाता है, ठीक है। सो कम एक्सपीरियंस वालों के लिए बैकएंड नहीं पूछा जाता है। जब 3 साल से ऊपर एक्सपीरियंस हो जाता है तो हल्का हल्का पूछ लेते हैं कि यार बैकएंड में ये कैसे चलता है, वो कैसे चलता है, क्योंकि आपको एक तरह से सिस्टम डिजाइन आना चाहिए फ्रंटएंड का। फ्रंटएंड का सिस्टम डिजाइन आएगा तो उसमें थोड़े थोड़े बेसिक्स आने चाहिए आपको बैकएंड के, कि यार आखिर API क्या होती है, API का स्कीमा क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, REST API क्या होती है, GraphQL क्या होती है, बेसिक आने चाहिए। आपको बनाने नहीं होंगे बट आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे बैकएंड के कॉन्सेप्ट हो गए और ऐसे DevOps के कॉन्सेप्ट हो गए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, आखिर ये सर्वर कैसे काम करता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो हाँ, अगर इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से कर रहे हो तो नहीं पूछा जाएगा। आप 3 साल से ऊपर हो तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले लीजिएगा कि बैकएंड कैसे काम करता है, तो बस इतना ही है। फोर्थ आता है, क्या सिस्टम डिजाइन पूछा जाता है? देखिए, मेरा आंसर, अगर आप मेरे से कुछ साल पहले पूछते, 2-3 साल पहले, तो वो कुछ और होता, बट आज मेरा आंसर कुछ और है। सो 2-3 साल पहले क्या होता था, DSA बहुत कम लोगों को आती थी, मतलब आती थी काफ़ी को, पर इतने को नहीं आती थी जितनी अब को आती है। सो कंपनीज ने अब क्या स्टार्ट किया है, उन्हें एक ऐसा टू ऐसी चीज़ चाहिए थी जिससे वो कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर सके और ऑब्वियसली अच्छे कैंडिडेट्स को ले सके। अब सबको DSA आती है, उनको ऐसे तो रिजेक्ट कर नहीं पाएंगे। सो अब उन्होंने सिस्टम डिज़ाइन पूछना स्टार्ट कर दिया है। सो सिस्टम डिज़ाइन मेरे को ऐसा लगता है कि DSA, ठीक है, DSA से पहले अगर आप करना चाहते हो, मतलब DSA के बाद आप सिस्टम डिजाइन जरूर करिए। मोस्टली लोग कहते हैं कि फ्रेशर से नहीं पूछा जाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में मैंने देखा है, अभी अमेजोन के अंदर था, उसके अंदर सिस्टम डिजाइन पूछा गया था फ्रेशर से। सो अगर आप छोटी कंपनी में कहीं जाना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली सिस्टम डिजाइन नहीं पूछेंगे, आप वेल एंड गुड हो, वो तो DSA भी नहीं पूछेंगे। बड़ी कंपनी में जाना चाह रहे हो, सिस्टम डिजाइन आपको करना होगा। आजकल सबको DSA आ चुका है तो आपको खुद समझना होगा, खुद सोचिए कि अगर सबको DSA आ चुका है तो आप कैसे सेलेक्ट होंगे, अगर सब उसी क्वेश्चन का आंसर करके आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली सिस्टम डिजाइन का फैक्टर आता है। सिस्टम डिजाइन करिए, सेलेक्ट होइए। सो सिंपल आंसर ये है, पढ़िए। आज के टाइम में बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है तो आपको पढ़ना होगा।
फिफ्थ आता है कौन से प्रोजेक्ट बनाने चाहिए अगर आपको फ्रंट एंड में जाना है। इसके लिए मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है बेसिकली क्या क्या आपको प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, आपको प्रोजेक्ट क्यों बनाने चाहिए। जनरली हम सोचते हैं कि हम इंटरव्यू के लिए प्रोजेक्ट बनाने हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इंटरव्यू के लिए जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो आप ये भूल जाते हो कि आपको उससे लर्निंग भी लेनी है उस प्रोजेक्ट से। सो इन शॉर्ट आप इस वीडियो को जाके देखिएगा, मैंने डिटेल में समझाया है, यहाँ तो मैं इतना समझा नहीं पाऊंगा कौन कौन से प्रोजेक्ट आपको बनाने चाहिए। मैंने पूरा डिटेल में बताया कि कौन से प्रोजेक्ट आपको बनाने चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट आपको नहीं बनाने चाहिए, सब कुछ बताया, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। सिक्स्थ क्वेश्चन आता है फ्रंट एंड का रोड मैप। अगेन फ्रंट एंड का रोड मैप देखिए, मैं नहीं बोलूंगा सबके लिए सेम होगा, मुझे नहीं पता है आपको कितनी नॉलेज है, मेरे को नहीं पता है कि आप कितना कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। सो फिर भी मैं मान के चलता हूँ आप फ्रेशर हो, फ्रेशर के लिए फ्रंट एंड का रोड मैप सिंपल है, ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करिए, HTML, JS, CSS और फिर उसके आगे आगे बढ़ते जाइए React.js वगैरह पे। इसकी भी मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है यहाँ पे फ्रंट एंड के रोड मैप पे। जो भी मैं टॉपिक बोल रहा हूँ आज मोस्टली इस वीडियो में मैंने उस पर वीडियो बनाई रखी है, बट कुछ क्वेश्चंस जो मेन क्वेश्चंस हैं वो भी आने वाले हैं, सो वीडियो में बने रहिए उनको देखने के लिए। सेवेंथ क्वेश्चन आता है मशीन कोडिंग से रिलेटेड। तो काफी ने मेरे से ये पूछा है कि मशीन कोडिंग में रिएक्ट जेएस पूछेंगे, मतलब रिएक्ट जेएस में कोड करेंगे या फिर जीएस में कोड करेंगे, किस में करेंगे। सो देखो ये डिपेंड करता है कंपनीज पे, और कौन सी कंपनीज में वो मैं बताता हूँ। देखिए जब कोई बड़ी कंपनी होती है ना, जैसे MNC समझिए, फैंक समझिए, वो आपसे देखो वनीला जावास्क्रिप्ट में लिखवाएंगे, वनीला जावास्क्रिप्ट मतलब प्लेन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। उनको ये चाहिए कि आपको बेसिक्स आते हैं, फिर आप आगे जाके रिएक्ट, व्यू, नेक्स्ट ईयर जो भी है सब कुछ कर लोगे, ओके। सो उनका सिंपल फंडा ये होता है आपको बेसिक्स आने चाहिए, आपको बेसिक्स आ गए तो आप कुछ भी सीख सकते हो कंपनी में आके, ओके। अब आते हैं ये दूसरी जगह स्टार्टअप के ऊपर। स्टार्टअप क्या करते हैं, वो कहते हैं यार आपको डेवलपमेंट आनी चाहिए, जो हम टेक स्टैक यूज करते हैं, ठीक है। अब वो टेक्स्ट टैग क्या यूज़ करते हैं, मान लेते हैं वो रिएक्ट यूज़ करते हैं, तो आपको बोलेंगे रिएक्ट पे करिए। जैसे मैंने Cars24 का दिया था, फ्लिपकार्ट का दिया था, उसमें मैंने मशीन कोडिंग रिएक्ट जेएस से करी थी। सो स्टार्टअप के लिए अगर आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली रिएक्ट जेएस, एंड अगर आप एमएनसी के लिए कर रहे हो तो ऑब्वियसली वनीला जेएस। मैं बोलूंगा अगर आप वनीला जेएस में मशीन कोडिंग करोगे ना, सो अगर आपको रिएक्ट आती होगी तो आपको रिएक्ट में जब वो क्वेश्चन सोल्व करोगे बहुत ईजी लगेगा। सो आप वनीला में सोल्व करिए, फिर रिएक्ट का ऑब्वियसली खुद आसान हो जाएगा, आप ऐसे सोल्व कर दोगे चुटकी में। सो हाँ, मशीन कोडिंग की तैयारी करिए वनीला जावास्क्रिप्ट में, प्लेन जावास्क्रिप्ट में, फिर देखिए आप रिएक्ट के लिए खुद तैयार हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंटरव्यू की लैंग्वेज कौन सी होती है। काफी लोगों ने पूछा है कि यार हमें इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश की फ्लुएंसी नहीं है मेरे पास, मतलब मेरे पे भी नहीं आती है देखो इंग्लिश, तो मतलब ऐसे फ्लुएंट तो मेरे पे भी नहीं आती है। मैं बस आपको ये समझना होगा लैंग्वेज एक तरीका है बातों को बताने का, ठीक है, दैट्स इट। सो अगर आप बातों को बता पा रहे हो वेल एंड गुड है, ग्रामर की मिस्टेक का कोई दिक्कत नहीं, अगले को समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। सो हाँ, वापिस आते हैं इस पे। सो इंग्लिश हिंदी किस में, देखो ये इंटरव्यू पे डिपेंड करता है फिर से। सो काफी सारे फैक्टर इंटरव्यू पे डिपेंड करते हैं। जैसे मैं अगर लेता हूँ और कैंडिडेट को हिंदी आती है तो मैं कह देता हूँ ठीक है यार हिंदी में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब यहाँ पे क्या चाहता है, देखिए कुछ कंपनीज क्या होती है, वहां पे आपको जाके काम करना है और आपको क्लाइंट के साथ भी कॉल करनी होगी। क्लाइंट हो सकते हैं फोनर्स, ओके, फोनर्स क्लाइंट हो सकते हैं, इंडिया के क्लाइंट हो सकते हैं। अब इंडिया में भी देखो हर जगह हिंदी नहीं आती है, सो आपको इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए। तो बेसिक इंग्लिश आपको ऑब्वियसली आनी चाहिए, मैं नहीं बोलूंगा कि आपको इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, ऑब्वियसली आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश आपको आ जाएगी। बस आसपास में अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करिए, आराम आराम से, शुरू में आपको हंसी आएगी, दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर जाओगे, उनसे बात करिए। सो मैंने भी ऑब्वियसली कोई कोर्स नहीं लिया था, स्कूल में भी ऐसे कोई ऐसे हमारा कुछ चलता नहीं था इंग्लिश से रिलेटेड, कॉलेज में भी कुछ नहीं चलता था। मैं कॉर्पोरेट में आया, हम बात करने लगे, काफ़ी सारे इंडिया के ही मतलब वो लोग हैं, सो उनसे बात चलने लगी, तो ऑब्वियसली इंग्लिश इंप्रूव होती रही। सो टाइम के साथ आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। तो इंग्लिश इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, अगर आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो दूसरे को कि आप क्या समझाना चाह रहे हो तो वेल एंड गुड है। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या इंटरव्यू मदद करेगा हमारी, मतलब जैसे आप कहीं फंस गए हो तो क्या इंटरव्यूअर आपकी मदद करेगा। तो देखिए बिल्कुल करेगा, इंटरव्यूअर आपको बिल्कुल मदद करेगा। अब देखो आपको एक और चीज़ समझनी होगी, जब कंपनी हायर करती है ना वो ये नहीं देखती है कि आपको काम दिया, आपने सीधा काम कर दिया और छुट्टी, ठीक है, ये नहीं होगा। वो क्या देखेगी कि इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन देगा, आपने उससे क्वेश्चन वापस पूछे कि क्या क्या इसमें ये है वो है फलाना दिखाना, उसके बाद वो आपको बताएगा आंसर, फिर आप उसको करना स्टार्ट करोगे और आप इंटरव्यूअर की मदद भी लोगे, इंटरव्यू के साथ साथ कम्युनिकेट करते रहोगे। इससे क्या पता चलेगा कि आपको आदत है टीम में काम करने की, क्योंकि देखो ऑब्वियसली आपको टीम में ही काम करना है, सो वो आपकी टीम की भी बॉन्डिंग देखेंगे। सो इसमें आपको ऐसा समझना होगा कि आप अपने दोस्त को समझा रहे हो कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, आप इंटरव्यू को अपना दोस्त समझिए, ऐसे समझिए कि आप बहुत सालों से उसको जानते हो, फिर ऑब्वियसली आपका ये जो
डाउट है वो क्लियर हो जाएगा. सो इंटरव्यूअर ऑब्वियसली हेल्प करता है, ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर हेल्प नहीं करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या मैं अपना रिज्यूमे दिखा सकता हूँ? ओह नहीं दिखा सकता. सो बेसिकली एक टेम्पलेट में दिखा सकता हूँ. सो एक टेम्पलेट यहाँ पे आ जाएगी कहीं, ठीक है. सो मैंने ये पहले भी टेम्पलेट दिखा रखी है, किसी वीडियो में दिखाई थी मेरे को याद नहीं है, तो मैं वापस से यहाँ पे दिखा देता हूँ. सो इस टेम्पलेट की मदद से आप कर सकते हो. मैं देखो सिंपल रखता हूँ टेम्पलेट्स को. मेरा फंडा ये है कि हर चीज सिंपल होनी चाहिए. सिंपल होगी वो देखेंगे, नहीं होगी तो वो ऑब्वियसली ऐसे हाई टेक देख के वो रिजेक्ट कर देंगे. ओके, सो सिंपल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. कोई फालतू की गिरी नहीं लिखनी है. जैसे मैं एंथुसियास्टिक जावास्क्रिप्ट डेवलपर हूँ, या फिर कोई और लिखता है जैसे प्रो जावास्क्रिप्ट डेवलपर, फुल स्टैक एंथुसियास्ट, ऐसा कुछ लिखता है. मैं कुछ ही लिखता हूँ ऐसा, ऐसा आपको भी लिखना है. आपको सिर्फ अपनी स्किल्स बतानी है, ठीक है. सो आप बताइए उसके बारे में इस रेज्यूमे के अंदर. यहाँ पे एक टेम्पलेट आ जाएगी, वो देखिएगा, हो जाएगा. नेक्स्ट आता है कि कैंडिडेट्स इंटरव्यू दे रहे हैं बट फिर भी वो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्यों? तो देखो कई सारे फैक्टर आते हैं. फर्स्ट आता है एक्सपीरियंस. एचआर क्या करते हैं, वो आपसे एक्सपीरियंस पूछेंगे. भले ही उसमें 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, पर वो आपको 2 साल के एक्सपीरियंस में भी इंटरव्यू ले लेते हैं. आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है, फिर उनको एकदम से याद आता है यार ये तो 4 साल के एक्सपीरियंस के लिए रोल था, फिर वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं. बहुत बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है. तो इंटरव्यू सब कुछ अच्छा जाता है, ये रिजेक्ट हो जाते हैं. फिर वो कहते हैं कि यार नहीं, आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो कम है. तो भाई आपने इंटरव्यू लिया ही क्यों था, ये सच्चाई है देखो कॉर्पोरेट की, इससे हम कुछ नहीं कर सकते. सो ऐसे ही कई सारे फैक्टर होते हैं. हायरिंग फ्रीज हो जाती है, जैसे पिछले साल तो बहुत ही हायरिंग फ्रीज हुई, तो ऑफर आने के बाद भी रिवोक हो जो हो गए थे. सो ऐसे फैक्टर रहते हैं. एंड कई बार ऐसा होता है कि उनको कुछ स्पेसिफिक नीड रहती है. जैसे मान लेते हैं आपने रिएक्ट पे काम किया है बट उनको Vue.js चाहिए, तो उसमें भी हो जाता है. और कई बार ऐसा भी होता है कि मान लेते कोई फिनटेक कंपनी है, फिनटेक पेमेंट्स वगैरह में डील करती है, और आपने उस पर आज तक काम ही नहीं किया है, ठीक है. भले ही आप कितने ही कह दो कि मैं उस पर काम करना चाहता हूँ, वो आपको नहीं लेंगे, क्योंकि उनको वही बंदा चाहिए जिसने फिनटेक पे काम किया है, वो आपको सिखाना नहीं चाहते हैं. सो ऐसे सारे कई सारे फैक्टर रहते हैं. अगर आपके फैक्टर्स मैच कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपको ले लेंगे, नहीं मैच कर रहे तो नहीं लेंगे. सो इन सारे फैक्टर्स के बाद ही आपको लिया जाता है. ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर लिया जाता है. नेक्स्ट आता है हाउ टू गेट इंटरव्यू कॉल. सो इंटरव्यू कॉल लेने के लिए देखो रेज्यूमे सबसे सिंपल बनाना है, ठीक है. टू द पॉइंट बनाना है, कोई फालतू की गिरी नहीं लिखनी है कि मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, मेरे फैमिली मेंबर इतने हैं, एंथुसियास्टिक जावास्क्रिप्ट डेवलपर हूँ, कुछ नहीं लिखना है. टू द पॉइंट लिखिए, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, ये सब कुछ लिखिए. जो मैंने टेम्पलेट आपको बताई थी वैसे टू द पॉइंट प्लीज रहिएगा. एक पेज से ज्यादा मत बनाइएगा. फॉन्ट भी बड़ा बड़ा यूज करिएगा, चैट जीपीटी का यूज कर लीजिएगा कोई भी लंबे टेक्स्ट को छोटा बनाने के लिए. टू द पॉइंट रहिएगा. बट अगर आपने जरा सी भी मिस्टेक करी है, मतलब आपने छोटे छोटे टेक्स्ट लिख दिया, पूरा ऐसा पेज भर दिया है, कोई नहीं देखने वाला है रिज्यूमे को, ठीक है. सो टू द पॉइंट हमेशा रखिएगा, आपका फिर हो जाएगा, को इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, ठीक है. सो हमेशा ऑर्डरिंग भी बना के रखिएगा, मतलब जैसे एक्सपीरियंस हो गया, एजुकेशन हो गया, क्या क्या ऑर्डरिंग होगी. सो अगेन आपको रिज्यूमे देखना होगा, पिछली जो मैंने रिज्यूमे अटैच किया था वो देख लीजिएगा. लास्ट क्वेश्चन आता है, कैन आई अप्लाई विदाउट रिएक्ट. सो बेसिकली एक हमारे कैंडिडेट ने पूछा था कि क्या बिना रिएक्ट के भी हम जॉब पा सकते हैं. ऑब्वियसली यार बिना रिएक्ट के तुम जॉब पा सकते हो, तो ऑब्वियसली यार अचीव थोड़ी कम होगी. मतलब मानते हैं आप एमएनसी में जा रहे हो तो आप बिना रिएक्ट के पा सकते हो जो कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर आप स्टार्टअप वगैरह में जाना चाहते हो और स्टार्टअप भी ज़्यादातर आजकल जॉब खोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको दिक्कत आएगी. तो इंडस्ट्री के ट्रेंड के साथ आपको रहना होगा. देखो ये आईटी का रूल है, इंडस्ट्री का ट्रेंड के साथ आपको रहना होगा. सो रिएक्ट जेएस इसलिए आपको आनी जरूरी है. आप क्या करिए, वनीला जावास्क्रिप्ट अपनी पक्की करिए, बिल्कुल अच्छी हो जाएगी उसके अंदर. रिएक्ट ऐसे ही ऊपर से पढ़ लीजिएगा, फिर हाँ ऑब्वियसली आपको जॉब मिल जाएगी. स्टार्टअप एमएनसी में अप्लाई वगैरह करिएगा. आपकी जब वनीला जावास्क्रिप्ट आप कोड लिखते हो, आपकी थिंकिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है. सो जैसे डीएसए से चेंज होती है ना, ऐसा वनीला जावास्क्रिप्ट में जब आप लिखते हो प्लेन जावास्क्रिप्ट में, तब हो जाती है चेंज. ऐसे ही आप रिएक्ट, नेक्स्ट जीएस, व्यू जीएस जो भी सीखते हो, वो एक फ्रेमवर्क है जो वनीला जावास्क्रिप्ट का काम आसान बना देता है. तो आपको समझ में आएगा कि ये फ्रेमवर्क क्यों बनाए जाते हैं. फ्रेमवर्क का बेसिकली काम यही होता है कि वो आपकी लाइफ को आसान बनाते हैं, वनीला जावास्क्रिप्ट से आसान बनाते हैं. और आपको ऑब्वियसली कभी भी स्क्रैच से फ्रेमवर्क नहीं लिखना है, बट स्क्रैच से जब भी आप लिखोगे तो उससे आपको थिंकिंग बढ़ेगी, आपको समझ में आएगा कैसे चीजें बिल्ड होती है. ऐसे ही मैंने एक वीडियो बनाई थी रिडक्स को स्क्रैच से बनाने की. अगर आपने रिएक्ट यूज किया है, रिडक्स यूज किया है, तो आपको पता होगा एक रिडक्स होता है, उसको आप स्क्रैच से खुद भी बना सकते हैं. एक मैंने सिंपल रिडक्स बनाया था, तो यहाँ पे जाके देखिएगा, आपको समझ में आएगा कैसे आप रिडक्स को स्क्रैच से बना सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, अगली वीडियो के लिए कमेंट करिएगा आपको कौन सी वीडियो चाहिए, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा. ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही. सेमीकोलन.